भोपाल समेत प्रदेश भर में बच्चियों महिलाओं के साथ हो रही दुष्कर्म उत्पीड़न और हत्या की घटनाओं के विरोध में कांग्रेस बेटी बचाओ अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत आज कांग्रेस के नेता प्रदेश भर में मंत्रियों और विधायकों का घेराव कर उन्हें ज्ञापन दे रहे हैं। बेटियों महिलाओं के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटनाओं को रोकने के लिए कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना और ग्रामीण अध्यक्ष अनोखी पटेल के नेतृत्व में भोपाल सांसद आलोक शर्मा को कांग्रेस नेताओं ने ज्ञापन दिया। इस दौरान कांग्रेस नेता पीसी शर्मा, जेपी धनोपिया भी मौजूद रहे। पीसी शर्मा ने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को फोन लगाकर आलोक शर्मा से बात कराई। इस पर आलोक शर्मा ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा महिलाओं पर दिए गए बयान की बात कही। जीतू पटवारी के नाम एक लेटर भी लिखा। कांग्रेस नेताओं के ज्ञापन में यह लिखा गया है कि मप्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लगातार अबोध बालिकाओं जिनमें 1 साल से लेकर 10 साल और 75 साल तक की बुजुर्ग महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं लगातार हो रही हैं। छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार एवं हत्या होना आम बात हो गई है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में बालिकाओं एवं महिलाओं का जीवन संकट में पड़ गया है। महिला अत्याचार में प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर नंबर 1 पर पहुंच गया है, जिससे समस्त प्रदेश वासियों का सर शर्म से झुक गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।